अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले मेरी तरफ से YouTube फैमिली और Facebook फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारा ये खूबसूरत सा बाइक, आपकी बाइक के पास गाड़ी नहीं है, इंशाल्लाह सून हम गाड़ी भी लेंगे। चाल बका यार कवन है तो गलत सेट से इस तरह से तो पदी सेड भी ली चल कदी सेल दस ता प्ला रोड दे दी सेड कदी ता दख सेड वाला नहीं दी सेड वाला ता वाला दी सेड दे पगत लासा। मेरी भी गलती है, बाइक पे ब्लॉग बना रहा हूं, बाल बच गए। इनकी भी गलती थी, मेरे साइड पे यार यार मेरे साइड पे तो नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब, आप लोगों ने जो कुर्बानी देख ली, वो ज़बह करने वाले सीन तो नहीं दिखा सकते थे इसी वजह से, तो सीन इस तरह मैं वहाँ से आ गया। हमारी जो कुर्बानी का जो हिस्सा था वो कहीं दूर था, तो मैं आ गया अपने कज़न के यहाँ। और यहाँ पे पड़ी है हमारे सिखान और चाय है सुहेल भाई, तो यहाँ पे हम चाय के साथ सिखान खाएँगे, बारबेक्यू इसको कहते हैं। तो और बात ये कर रही थी कि मैंने आपको अगेन बताता चलूँ कि दाढ़ी वाड़ी का जो सीन है ये इंशाल्लाह कल परसों ठीक हो जाएगा, आपका भाई खूबसूरत नज़र आ जाएगा। और तुम लोगों ने बीच में वो देखा ना, वो बाइक से बाल वाले बाइक वो वाला सीन बड़ा ख़तरनाक था। दूसरी बात ये करनी थी कि व्लॉग लंबा कर दें ताकि आपको और भी कुछ दिखाया चले। मौसम आप देख सकते हैं, ये है ईद का दूसरा दिन और यहाँ पे उमर जो हमारी कज़न है उसके यहाँ पे दूसरी कुर्बानी हो चुकी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडल भाई बग़ैर हाथ लगाए उनकी मदद कर रहे हैं। और जो है यहाँ पे दूसरा अच्छा वाला सीन किया हुआ, ज़रा वो भी देखें। ईद के पहले दिन बाइक से बच गया और ईद के दूसरे दिन हमारा 13 प्रो मैक्स बच गया, अल्लाह खैर करें। बारिश के बाद जैसे ही बाहर निकला, मैंने कहा थोड़ा शेव वेव कर लेते हैं, तो बाहर देखा ये रोड पे पानी, देखा आपके बाइक के साथ क्या हुआ, ज़रा खुद देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज ईद का दूसरा दिन है और अभी 3:30 बज रहे हैं। ईद के दिन कुछ खास एक्टिविटीज़ नहीं थी, इसी वजह से जल्दी व्लॉग स्विच हुआ ईद दूसरे दिन में। हमारे साथ हैं उमर खान और हम जाने वाले हैं ग्वार तांडा डैम, क्योंकि घर पे का के और सो सो के भर चुके हैं, तो हमने कहा चलो तांडा डैम चलते हैं, कुछ अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग ईद के लिए आए हुए हैं। सो स्टे विद अस और वीडियो एंड तक देखिए, ब्लॉग एंड तक देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर को लाइक करके डन लिखो, और इसके बाद जो है खूबसूरत खूबसूरत वाले सीन आने वाले हैं तो मिस नहीं करना। ورا كوم يسكن ليمو ولا يا غوالا يا رضا ليمو ولا بخي دو ليمون كده ليمون ليمون كده ايه ولا ماما तो हम लोगों को रास्ते में आते आते गर्मी लगी है, क्योंकि तकरीबन कितने किलोमीटर दूर है,
दो किलोमीटर ढूंढ लो तो वहाँ से आते आते भाई साहब यहाँ पे एक नया रास्ता बनाया गया है जो कि अभी भी स्टिल ऑन कंस्ट्रक्शन है। कहते हैं पहले हम उस रास्ते से जाते थे, अब इस रास्ते से उस रास्ते से अलाव नहीं है, न्यू वाला रास्ता बनाया है। तो एक यहाँ पे मकाम है लाची वाले साइड पे, जहाँ पे हम मतलब लोग खाना वाना पकाते हैं, पिकनिक पॉइंट वाले लोग वहाँ पर आते हैं। और गर्मी थोड़ी है लेकिन यहाँ पर लोगों मतलब ये जो करक बनू डी आई खान लक्की से लोग आते हैं, आप लोग उनकी स्टाइल भी मतलब पहचान सकते हैं, तो वो यहाँ पे पिकनिक्स के लिए आते हैं। तो वो आपको आगे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने वो यहाँ पे जो वाटरफॉल होता है ना डैम से जो पानी निकलता है वही वाला सीन है, लेकिन यहाँ पे बहुत लो पानी क्योंकि खतरा होता है ऐसे ना कोई डूब जाए, तो थोड़ी बहुत पानी उन्होंने छोड़ी हुई है क्योंकि ऐसे कोई सीन सामने ना आ जाए जिससे उनकी गम जो खुशी है वो गम में तब्दील ना हो जाए। तो आगे आपको चलते हैं लिए और तो आगे आपको चलते हैं पिकनिक पॉइंट्स पे जहाँ पे लोग दीगर खाने वाने बनाते हैं और अपने फ्रेंड के साथ आई हुए गैदरिंग करते हैं। सो आगे आप मुंटाज एंजॉय कीजिए। भाई साहब ये यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए है और संगे खाई जोड़े बस ये जो फुटेज है ये है बवाना ज़ियारत कुहाट के मशहूर चश्मे है। यहाँ पे मीठी और ताज़ा पानी निकलता है, यहाँ पे रश देखने को मिलता है। पार्क के बजाय स्विमिंग पूल्स चश्मे और ऐसी मकामात पे बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल गया। आगे हम फिर जा रहे थे बाइक पे कुहाट चश्मा में, वहाँ पर आपको फुटेज दिखाते हैं। बाइक पे चलते चलते हम कुहाट चश्मा पहुँच गए और ये था आज हमारा ईद का जो है व्लॉग था, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ थी। उम्मीद आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब मार दें और मुझे बताएं कि यार मेडल भाई आपके व्लॉग में ये कमी होनी चाहिए, ये भी कमी है और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो आई विल बी वेटिंग, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।